इस वक्त हम दिल्ली के LNJP अस्पताल की इमरजेंसी पर मौजूद हैं और यहाँ भी बुखार की मार साफ दिखाई दे रही है। एक के बाद एक मरीज आ रहे हैं, यहाँ मरीज है, वहाँ मरीज है, सब एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर या फिर स्ट्रेचर पर सवार होकर यहाँ पहुँच रहे हैं और ज़्यादातर में वायरल फीवर की समस्या है। यानी दिल्ली फिलहाल डेंगू और चिकनगुनिया के चक्रजाल में फंसी हुई है और हर तरफ आपको मरीज ही मरीज नजर आते हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रख रहे हैं और जहाँ तक अगर बात करनी है तो ये करिएगा, दिल्ली के अंदर MCD ने क्या किया, MCD को जो है कंट्रोल करने का काम उनका होता है। वो कहते हैं फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। MCD को करना होता है, रोकथाम का काम उनका है, उनको सफाई करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर सफाई नहीं होती है, वो ध्यान रखने की जरूरत है। दिल्ली NCR में मच्छर के टंक मारे लोगों का यही हाल है। सरकारी अस्पताल में खस्ता हाल तो प्राइवेट अस्पताल में भी बेहाल, लेकिन सवाल मरीजों के अस्पताल भर पहुंचने का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जिसे डेंगू का टंक लग चुका है, खुद ही बीमार है। लिहाजा दिल्ली को आंकड़ों में उलझाकर असल मुद्दे से भटका देता है। दिल्ली UP से आया था और फैक्ट्स को चेक करना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे लोग दूर से आते हैं और लास्ट स्टेज में आते हैं। अगर कोई लास्ट स्टेज में दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहा है तो दिल्ली के प्रतिनिधि कहा जा सकता है। इस साल चिकनगुनिया से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। डेंगू का डंक पूरी दिल्ली में फैल रहा है, लेकिन मच्छरों को मारने के लिए जो फॉगिंग होती है, केजरीवाल सरकार उसका तक इंतजाम कर पाने में नाकाम रही। दावा भले ही देश जीतने का हो, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सुनिए, जो कह रही हैं कि ये काम दिल्ली सरकार का है। जब भी ऐसा मौसम आता है कि मस्कीटोज बहुत ज्यादा पैदा होंगे तो फ्यूमिंग की जाती थी दिल्ली में, अब की बार हमने कहीं ये नहीं देखा। गैर जिम्मेदारी और बेपरवाही है सरकार की, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है। पहले हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली सरकार को अस्पतालों की व्यवस्था देखनी चाहिए, तो सही बात आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि लोगों को वेटिकन सिटी घूमने से फुर्सत नहीं है, पंजाब जाने की फुर्सत नहीं है, वहां खोटा गाड़ के बैठे हैं और यहां चिकनगुनिया से मौत हो रही है। सवाल है केजरीवाल कैबिनेट को क्या इतनी फुर्सत है कि वो दिल्ली वालों के लिए कुछ कर सके। केजरीवाल खांसी का इलाज खोजने बेंगलुरु में विराज रहे हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड में है, खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी आपका जनाधार बढ़ाने गोवा में थे, हालांकि अब लौटे हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने नहीं, आरोपों का इंजेक्शन लगाने। तो सवाल है कि क्या सियासत के इस वार पलटवार में दिल्ली यूं ही घुटती रहेगी, कभी बारिश से बेहाल तो कभी चिकनगुनिया से चिंतित, और ऊपर से इतनी जिम्मेदार सरकार जो सिर्फ दूसरों के कामों का रखती है हिसाब और खुद लापरवाही की चादर ओढ़कर सोती रहती है। केजरीवाल ने चिकनगुनिया से होने वाली मौतों पर कहा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है, एक पेन खरीदने तक की पावर नहीं है, सारे अधिकार तो प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल के पास हैं। LG विदेश गए हैं, उनसे दिल्ली के लिए सवाल कीजिए। जरा सोचिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ही बिना अधिकारों के हैं तो दिल्ली की जनता का क्या अधिकार बनता है कि वो केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराए। शायद दिल्ली सरकार यही कह रही है, तो क्या अधिकार विहीन दिल्ली सरकार के दावों पर यकीन कर लिया जाए। अस्पताल में भर्ती चिकनगुनिया के मरीज कम से कम ऐसा करने से रोकते हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। दिल्ली में एक ऐसी सरकार का राज है जिसके पास एक पेन तक खरीदने का अधिकार नहीं है, यह कहना है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का, जिनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि डेंगू चिकनगुनिया फैला ही नहीं है, ये मीडिया का फैलाया हुआ पैनिक है। तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में ठसा ठस भरे मरीजों को मीडिया के मच्छर ने डंक मारा है, या केजरीवाल सरकार की गैर जिम्मेदारी का मच्छर दिल्ली वालों को काट रहा है। चिकनगुनिया पर जिम्मेदारी से केजरीवाल सरकार साफ मुकर गई है, बस बिजी है तो सियासी बहस में, पंजाब में, गोवा में, फिनलैंड में, बिजी है भविष्य की दिल्ली बनाने में, लेकिन वर्तमान की दिल्ली को बचाने में नहीं।
यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, भगवान भरोसे दिल्ली। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान है। मेरे साथ इस पैनल में है रविंदर गुप्ता, फॉर्मर मेयर नॉर्थ दिल्ली। मेरे साथ ब्रजेंद्र मुद्गिल है, आप सपोर्टर। मेरे साथ आलोक शर्मा है, लीडर कांग्रेस। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर डीएस राणा है, चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस पैनल पर। लेकिन उससे पहले कि हम इस बातचीत को, इस बहस को शुरू करें और सवाल पूछे दिल्ली के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव या आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से और तमाम पैनलिस्ट से, उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे भगवान भरोसे हो चुकी है दिल्ली। दिल्ली में मच्छर की मार, दिल्ली में चिकनगुनिया के 1000 से ज्यादा मरीज हैं इस वक्त। अब तक चिकनगुनिया से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल, जो कि इतना जाना माना अस्पताल है, वहां चिकनगुनिया से 3 मरीजों की मौत हुई है। हेडगेवार अस्पताल में एक महिला की मौत हुई है। दिल्ली में मलेरिया के अब तक 21 मामले आ चुके हैं। मलेरिया से दिल्ली में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। और डेंगू के बात करें तो डेंगू के 1150 मामले, 1150 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। और दिल्ली में डेंगू से 10 लोगों की मौत हुई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने बताने के लिए कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यूअर जो इस वक्त बीएसबीडी देख रहा है, बिग स्टोरी बिग डिबेट देख रहा है, उसके आसपास या उसके घर में या उसके पड़ोस में, उसके मोहल्ले में कोई मरीज नहीं होगा जो इस वक्त चिकनगुनिया या डेंगू से पीड़ित नहीं होगा। इस वक्त इस कदर ये बीमारी फैल चुकी है। मैं डॉक्टर डीएस राणा सबसे पहले आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि सर शायद हम सब में आप सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा कैपेबल हैं इस बीमारी के बारे में बताने के लिए। सर चिकनगुनिया और डेंगू इस वक्त क्या हालात है, और गंगाराम हॉस्पिटल, क्योंकि दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जाना माना हॉस्पिटल है, और वहां क्या हालात हैं सर, जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए और बताइए कि स्थिति क्या हो चुकी है दिल्ली में इस वक्त। गौरव, इसमें दिल्ली में वायरल फीवर फैला हुआ है और उसमें बहुत से केस जो हैं वो चिकनगुनिया के हैं, कुछ केस डेंगू के हैं और कुछ अन्य वायरल फीवर्स हैं। और चिकनगुनिया वैसे यही माना जाता है कि बहुत से पेशेंट जो हैं उनको बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दर्दें बहुत होती हैं, बुखार होता है, पर मॉर्टेलिटी, मौत नहीं, मौत के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, यही हमारा एक अभी तक नॉलेज है। पर हमारे हॉस्पिटल में ऐसे पिछले 36 घंटे में 4 पेशेंट की डेथ हो गई जो चिकनगुनिया के लिए पॉजिटिव हैं। और ये पेशेंट सारे हाई ग्रेड फीवर के साथ हॉस्पिटल में आए, इनको इनकी किडनी फेल हो जाती हैं और इनको पेशाब आना सबसे पहले बंद हो जाता है और उसके बाद इनका ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये इनका रेस्पिरेटरी फेल हो जाती है सर। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, मैं आपको किसी राजनीति में नहीं डालना चाहता और मैं नहीं चाहता कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, मैं एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट आपसे एक व्यू चाहता हूं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं होती, आप कह रहे हैं चिकनगुनिया के 4 पॉजिटिव पेशेंट जिनकी मौत हो गई, चिकनगुनिया से मौत नहीं होती, लेकिन क्या चिकनगुनिया की वजह से मौत होती है? सर ऐसा है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी साइड ठीक कर रहे हैं, हमारी भी यही नॉलेज है कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती है या मॉर्टलिटी नहीं होती है। पर हमारा अब ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह चिकनगुनिया के हमने सेंसिटिव टेस्ट किए तो ये पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट हैं साइड इतने सेंसिटिव नहीं थे। पर ये कैसे इनका एक रिलेशनशिप निकालना डेथ और डिजीज के साथ, वो थोड़ा टाइम लगेगा, पर सर्टनली जो चार केस हमारे 36 घंटे में लॉस हो गए हैं। तो सर एक आम आदमी की भाषा में 10 सेकंड के लिए सर 10 सेकंड में और आम आदमी की भाषा में अगर इनको चिकनगुनिया का सही वक्त पे इलाज मिल जाता और चिकनगुनिया का इलाज होता तो शायद इनकी मौत ना होती। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, चिकनगुनिया का अभी तक हमें इलाज का ही पता नहीं है। हम तो लाइफ सपोर्ट ही कर सकते हैं। चिकनगुनिया वायरल डिजीज है और उसके लिए अभी कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं निकली है। यदि पहले भी पता लग जाता तब भी नहीं कुछ कर पाए। हमने अरे जो डेथ्स हुई हैं
इनको भी तो हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, स्पोर्ट सिस्टम के बाद भी बच नहीं पाए क्योंकि हमारे पास कोई ड्रग नहीं होती है जिसको इनको दे सकें। ठीक है, रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, पहले भी आ जाते हैं, लेट आ जाए कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, आप रहिए सर मेरे साथ, एक्सपर्ट व्यू में आपसे ऐसा इसके आगे भी लूंगा, लेकिन अब मैं आपके पास आऊंगा ब्रजेंद्र मुदगिल। ब्रजेंद्र मुदगिल, 1000 से ज्यादा मरीज चिकनगुनिया के, 5 मरीजों की मौत, जिसमें से डॉक्टर गंगाराम सर गंगाराम हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि 4 मरीज ऐसे जिनको चिकनगुनिया पॉजिटिव था। हेडगेवार अस्पताल में एक महिला की मौत, मलेरिया के अब तक कई मामले, डेंगू के 1150 से ज्यादा मामले, और सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो आपके स्वास्थ्य मंत्री MCD LG यहां तक कि मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़ देते हैं, क्या आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? गौरव जी, ये चिकनगुनिया के जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि 3-4 महीने पहले मीडिया में आ चुका था कि ये इस बार और भयंकर होने वाला है। जरा डॉक्टर साहब से ये पूछिएगा, ये चिकनगुनिया का वायरस कब आया दिल्ली में? तो मैं वो पूछूंगा, आप मेरे पास, मैं सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको 4 महीने पहले से पता था सर, सर मच्छर से डिजीज होती, जिम्मेवारी किसकी थी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर आप MCD पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ठीक है, MCD जिम्मेवार होगी बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं सर? नहीं, आप बताइए, आइडेंटिफाई कर दीजिए उसमें क्या जिम्मेवारी हो सकती है। 10,000 बेड आपके डॉक्टर, आपके खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, बेड्स के अलावा आपके अंडर्स हैं, पहले आप देखिए आपके अंडर है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता है कि ये इस तरह का माहौल होने वाला है, 3 महीने पहले ये खबर आ चुकी और तो MCD ने कोई भी इस तरह से प्रिवेंटिव मेजर नहीं, और आपको पता है जब ऐसा माहौल होने वाला है उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु चले जाते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फिनलैंड चले जाते हैं, और एक मंत्री छोड़कर बाकी सारे मंत्री, एक मंत्री आपकी पार्टी का जानदार पंजाब और गोवा चले जाते हैं। वो दिल्ली में भी रहेंगे, सरकार है, यहां जरूरत है आपकी कि वो दिल्ली में भी रहेंगे, फिनलैंड की जरूरत है, वो दिल्ली में भी रहेंगे तो क्या करेंगे सर? कंट्रोल करेंगे, ये काम तो MCD के साथ बस हालात दिया गया ना, फिर आप कहेंगे कि MCD में इंटरव्यू। नरेंद्र तनेजा आपके पास आ रहा हूं, नरेंद्र तनेजा दिल्ली में रहेंगे तो भी क्या करेंगे, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सपोर्टर ब्रजेंद्र मुदगिल। अरे आप गौरव, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये निकम्मे लोग हैं, बहरे लोग हैं, इनको नहीं सुनाई देता, ये 1 करोड़ के समोसे खाने वाले लोग हैं, ये 256 एडवर्टाइजिंग में खर्च करने वाले लोग हैं, ये फिनलैंड और चाइना और बैंगलोर गोवा घूमने वाले लोग हैं। आपको ये पैसे MCD में हम देंगे? 2.5 महीने से मुख्यमंत्री MCD का बजट आप बनाते हैं, MCD में ये हम पैसा डाइवर्ट करते हैं। मुझे बोलने दीजिए, बात ये है, देखिए इनको लॉजिकली बात कीजिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ी सभ्यता नहीं, आप सभ्यता तो हमें आती है, आप लॉजिकली बात कीजिए। तो आप हैं, पूरे देश को पता आप असभ्य हैं, आप असभ्य हैं, आप सभ्यता बंद करिए यहाँ पे, आपके कहने से कुछ नहीं होता, अपनी बात कीजिए, आप MCD में क्या कर रहे हैं? असभ्य आप हैं, पूरा देश जानता है आप असभ्य हैं, आप असभ्य हैं। मैं आपकी सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभ्यता की आप सभ्यता में बात कीजिए, असभ्य आप हैं, ठीक है, देखिए आप समय बेके बोलिए, आप हैं, पूरा देश जानता है, हमारा आकलन नहीं करने आए आप लोग, आपको कितने अधिकार दिए दूसरे का आकलन करने का? कहते हैं 2.5 महीने से दिल्ली में, 2.5 महीने से आप अपनी बात बताइए, बंद करिए गौरव, जब इनकी टर्न बोली है तो बोलने दीजिएगा। 2.5 महीने से मुख्यमंत्री इनके दिल्ली में नहीं है, आते हैं फिर चले जाते हैं, ये अपना दिल्ली की जनता के पैसे से पंजाब गोवा बैंगलोर फिनलैंड पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, कहते हैं मेरे पास पेन खरीदने की पावर नहीं है, तो ये बिजनेस क्लास में वेटिकन कहां से चले गए, किसने पैसे दिए, 256 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग का कहां से आया? अच्छा, बुलाया इस बात के लिए, असभ्य बंद करिए, असभ्य होना बंद करिए, पूरा देश जानता है, पसा बे, चुप रहिए, बोलने दीजिए, आप अपना आकलन कीजिए, दूसरे का मत कीजिएगा, इस विषय पे आपकी जिम्मेदारी जी, आप अपना आकलन करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे को कुछ बोलने का, मॉडरेट करना हेल्थ संविधान के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग नरेंद्र तनेजा ठीक है सर, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं किसी को सभ्यता और असभ्यता का, सर एक मिनट चुन लिया सर, सुनिए सर आपने सर्टिफिकेट, नहीं सुनिए सर एक मिनट सर, नरेंद्र तनेजा जी सर प्लीज मेरा सवाल तो सुन लीजिए, कहते हैं पेन खरीदने के बाबत सर मेरा सवाल तो करोड़ के समोसे खा गए, नरेंद्र तनेजा जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर केवल उन्हीं अस्पतालों में हालात खराब है जहां पर दिल्ली सरकार के अंडर वो हॉस्पिटल आते हैं, एम्स सफदरजंग और दिल्ली सरकार के अंदर आने वाला राम मंदिर लोहिया, ये 3 बड़े अस्पताल मैंने गिनाए और भी बहुत सारे अस्पताल हैं सर, आप इन अस्पतालों में जाके देखिए हालात क्या है, क्या यहां पर इलाज सही तरीके से हो रहा है, क्या केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई जा रही है, क्या आपके हेल्थ मिनिस्टर अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है कितना कोऑर्डिनेशन किया,
दिल्ली सरकार ने कितना कोऑर्डिनेशन किया, कब का कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी, कौन सी ऐसी फाइल है उसके पहले एमसीडी की बात क्लियर कीजिए, केंद्र सरकार से कब कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी इन्होंने, इन्होंने इनको इनको बाहर घूमने से फुर्सत ही नहीं है दिल्ली में। सर ऐसा तो एलजीपी अमेरिका में है सर, और हाईकोर्ट ने उनको बॉस बना के रखा, हाईकोर्ट ने बोला वो बॉस है, वापस आए हैं सर, ऐसे तो एलजीपी अमेरिका में। अरे हाईकोर्ट ने क्या कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एलजी हैं, एग्जीक्यूटिव हेड मुख्यमंत्री हैं, अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं तो वेटिकन सिटी बिजनेस क्लास में कहां से गए, 256 तो नहीं जा रही हूँ, अपने पैसे खर्च करके गए हैं, पहले जानकारी तो सही रखिए, आप इस्तीफा दीजिए भागिए यहाँ से, आप इस्तीफा दीजिए जाइए। आलोक शर्मा, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ भगवान भरोसे दिल्ली हो चुकी है, क्योंकि ना दिल्ली सरकार का जिम्मेदारी लेने को तैयार है ना केंद्र सरकार। आलोक शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं तनेजा साहब बड़े सभ्यता का परिचय देंगे, उन्होंने कई लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी देखिए दिल्ली के अंदर तीन सिविक बॉडी हैं, तीनों किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं, बीजेपी के पास हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी और तीनों की तीनों एमसीडी। ज़्यादा जोर से चिल्लाने से अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता तनेजा साहब, आप दूसरों को सभ्यता असभ्यता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पार्टी केजरीवाल से किसी को उम्मीद नहीं। आलोक जी का, शीला दीक्षित ने कहा, शीला दीक्षित में पहुंच गए, पंडित नेहरू पे मत पहुंच जाइएगा आप लोग। मंत्री ने क्या कहा, आपने भाई सुन तो लीजिए आप लोग, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। आप सभ्यता, आप सबको सभ्यता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। आलोक जी आप, मैंने केवल मैंने एक भी फैक्ट अगर गलत दिया है तो बताइए, आप डिबेट बाद में बढ़ा लेंगे आगे। क्या तीनों सिविक बॉडीज आपके पास नहीं, दिल्ली की आप ही की मुख्यमंत्री, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सफदरजंग हॉस्पिटल भी केजरीवाल के पास है, एम्स भी केजरीवाल के पास है, आरएमएल भी केजरीवाल के पास है, कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल भी केजरीवाल के पास है। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए, अपने अपने जिम्मेवारी लेना सीखिए। कितने हॉस्पिटल्स हैं जो तमाम आज जिस तरह से वहां पर जूझ रहे हैं, अरे सर पार्टी केजरीवाल जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में टीवी चैनल पर बात करना भी गुनाह हो गया है। वो लोगों ने दिल्ली की जनता को ठग लिया पूरी तरह से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन एलजी साहब अमेरिका में घूमे इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ये तो फैक्ट ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वो इस लायक भी नहीं है कि उनके बारे में टीवी चैनल्स में चर्चा की जाए, उनका स्तर तो इतना नीचे गिर गया है। लेकिन आप भी अगर सभ्यता सभ्यता के पाठ पढ़ाएंगे तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन, केंद्र सरकार की तरफ से आज तक कोई दिल्ली के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई आपने, दिल्ली सरकार और कॉर्पोरेशन की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी आज तक बनी है? दिल्ली सरकार नहीं बनी है, दोनों के यूएसपी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों में से अगर कोई भी आगे बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने दिल्ली की जनता को फुटबॉल बना रखा है। आपके वो कहता साहब उसकी जिम्मेवारी है, वो कहता साहब उसकी जिम्मेदारी। पूछ लेता हूँ, एक मिनट में पूछ लेता हूँ, मुझे केवल एक मिनट में पूछ लेता हूँ, प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी कोऑर्डिनेशन एमसीडी और दिल्ली सरकार की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी किस पर है, पूछ लेता हूँ। एक मिनट नरेंद्र रंजा मेरे साथ रहिए, रविंदर गुप्ता है, फॉर्मर मेयर है नॉर्थ दिल्ली के, और रविंदर गुप्ता मैं चाहता हूं यहां पर आप बिना किसी पार्टी लाइन के, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि आप बीजेपी से या कांग्रेस हैं, मैंने तो आपको फॉर्मर मेयर के तौर पर इस पैनल में आमंत्रित किया है, बिना किसी पार्टी लाइन के आप बड़ी साफगोई से हमारे से मैं बोल रहा हूं, आप हमारे व्यूअर को यह बताइए कि एमसीडी की क्या जिम्मेदारी होती है ऐसे वक्त में, और क्या दिल्ली की एमसीडी ने वो जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई है, साफ सफाई की, नालों की, सड़कों की, मच्छरों से बचाव की, और अगर निभाई है तो स्थिति कैसे पहुंची। मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मर मेयर के तौर पर बोले, रविंदर गुप्ता। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को जो चिकनगुनिया और डेंगू से पीड़ित है उनको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिससे कि वो कम से कम आगे अपना इलाज जो हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, वो ठीक हो जाए। देखिए जो ये मच्छर पैदा होते हैं इसकी चार किस्म होती हैं, चार स्टेजेस। डॉक्टर साहब थोड़ी ना है, मेयर साहब आप बताइए ना, बीजेपी की आप मेयर रहे, बीजेपी की तीनों कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन ने क्या किया, प्रवचन मत दीजिए। अरे ठीक है उनको बोलने दीजिए, चलिए डॉक्टर। चार तरह के होते हैं कीटाणु, आप बताइए ना कॉर्पोरेशन ने क्या किया। पार्टी केजरीवाल तो दिल्ली छोड़ के भाग गई, भगोड़े हो गए, आप लोग 10 साल से काबिज हैं वहां पर। रविंद्र गुप्ता जवाब दीजिए, कागज के टुकड़े लेकर प्रवचन देने बैठ गए। और ये हम पूछ लेंगे डीएस राणा साहब से कि कितने मच्छर होते हैं, किस तरह के मच्छर होते हैं। सर एमसीडी ने क्या किया ये बताइए, ये मेरे से सवाल कौन कर रहे हैं, आलोक शर्मा कर रहे हैं? हां बिल्कुल मैं कर रहा हूं,
ये मेरे से काला होता पीला होता छोटा होता बड़ा होता ये मत बताइए आप, जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, बिल्कुल तीन साल में तो पिछले साल डेंगू के सबसे ज्यादा उस शीला दीक्षित को ये नहीं पता डेंगू में के सबसे ज्यादा पिछली बार हाईएस्ट रही पेशेंट और फोर्टी बार के कम वक्त के लिए इसलिए उनको मैं चाहूंगा उनसे एक और सवाल हूँ। डीएस राणा साहब आप रहिए मरसद में आपके पास आ रहा हूँ। रविंद्र गुप्ता मुझे एक सीधा सा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, एमसीडी की जिम्मेदारी क्या है, एमसीडी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि दिल्ली में साफ सफाई हो, दिल्ली वालों को मच्छरों से छुटकारा मिले की जिम्मेदारी सर दिल्ली की जो एमसीडी की जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी तरह से निभा रही है। हाँ। लेकिन दिल्ली की ये सरकार जो पहले शीला दीक्षित चलाती थी अब केजरीवाल चला रहा है, इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे पहले शीला दीक्षित थी और अब केजरीवाल जो बैंगलोर में बैठकर अपना इलाज करा रहे हैं। और आपको केजरीवाल से तो कोई उम्मीद नहीं रही, वो तो छोड़ के चले गए, भगोड़े हो गए दिल्ली में। आप अपने तो जिम्मेदारी बताइए ना, आपकी क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली के अंदर घरों में जाकर दवाइयां डाल रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं और उसके अलावा दिल्ली में लोगों को अवेयरनेस कैंपेन के नहीं, लेकिन 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 स्वास्थ्य मंत्री लेकिन ये बताइए ना, दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी काम ही नहीं कर रही, दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं, बना रहे हैं रविंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने साफ आरोप लगाया सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक एक लेंटर पे दो दो चार चार लाख रुपए वसूलने में लगे एमसीडी के अधिकारी, उनका सफाई ध्यान नहीं है। दोनों सरकारें भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, दिल्ली सरकार भी और कॉर्पोरेशन भी। चिकन गुनिया से कोई मर ही नहीं सकता है, जब चिकन गुनिया से कोई मर ही नहीं सकता तो ये दिल्ली में मौतें कैसे हो रही है, और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए जब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है कि चिकन गुनिया से मौत नहीं हो सकती। तो डॉक्टर राणा यहाँ बैठे हुए और उन्होंने बताया कि मौतें हो रही है, हमको खुद समझ आ रहा है, तो उनको तो ठीक है स्वास्थ्य मंत्री का होल्ड ऑन। सर आपने अपनी बात कह दी, डॉक्टर राणा मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र गुप्ता सुनिए, केजरीवाल दिल्ली के रविंद्र गुप्ता होल्ड ऑन सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर डीएस राणा मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मालूम है सर आप कम वक्त के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा जितना हो सके सर आप मेरे साथ रहिए सर, क्योंकि आपकी बहुत बहुत जरूरत है इस पैनल में, वरना इस पे आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, न्यूट्रल व्यू केवल आप दे सकते हैं सर। सर मुझे बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि इस बार चिकन गुनिया के जो केसेस आए हैं पहली बार दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर आए हैं, और सर गंगाराम हॉस्पिटल में अगर इतने मरीज हैं तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत होगी सर, और क्या इसकी जिम्मेदारी पहले से, अगर इसकी तैयारी पहले से की जाती तो क्या इतनी भयावह स्थिति से बचा जा सकता था सर? गौरव जी मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा, कि ये बेस्ट और टाइप की है, पर लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चिकनगुनिया की इंसिडेंस प्रेवलेंस सर्टनली सब पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है, और डेंगू की प्रेवलेंस और इंसिडेंस बहुत कम है इस बार, पर फिर भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मोस्टली सारे केस जो हैं चिकनगुनिया के वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं, पर कुछ केस जो हैं वो ऐसे सीरियस भी हो सकते हैं। डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बोलिए सर बोलिए कि आईजीएम टेस्ट जो किया जाता है, और जो आईजीएम टेस्ट किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, वो हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बिल्कुल यूजलेस है फर्स्ट वीक में, और ये टेस्ट जो है वो सिर्फ पीसीआर से किया जाए तभी, वो बड़ा हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, हाईली स्पेसिफिक टेस्ट है, तो उससे ही हम एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे कि ये जो डेथ्स हो रही हैं चिकनगुनिया से कितनी डेथ हो रही है कितनी नहीं हो रही है। नहीं नहीं सर, मैं सर, आपको सर, बता सकता हूँ कि गंगाराम हॉस्पिटल में एक, आप बोलिए सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। यस सर, सर ये जब हम आईजी सीरोलॉजी से पिछले महीने टेस्ट कर रहे थे, जब ये चिकनगुनिया टाइप लोग आना हमारे पास शुरू किए थे, तो उससे कोई भी पेशेंट हमारे पास पॉजिटिव नहीं आया था, जबकि हमें क्लिनिकली लगता था कि वो चिकनगुनिया से ही सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ही हमने पहली सितंबर से अब ये टेस्ट करना शुरू किया जो सेंसिटिव है, और अब हमारी जो पॉजिटिविटी है ऑलमोस्ट 56-60% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए पता लग रहा है कि ये पेशेंट जो है इनकी भी डेथ हो सकती है। ठीक है सर, तो आपको लगता है कि इस बार हालात ज्यादा खराब है, जैसे कि आपने कहा। एक मिनट रविंद्र गुप्ता होल्ड ऑन सुनिए मेरी बात, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुनिए डॉक्टर राणा।
तो आपको लगता है सर कि इस बार जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार से ज्यादा चिकनगुनिया के केसेस ज्यादा हैं, डेंगू के केसेस कम हैं सर, तो क्या चिकनगुनिया सर आपको बता सकता हूं कि सर सुनिए चिकनगुनिया क्योंकि मच्छरों से होता है हमें भी मालूम, जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो क्या अगर पहले से, मैं आपसे एक न्यूट्रल सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों मच्छर से आप किसी पर आरोप मत लगाइए, आप सीधा जवाब दीजिए, क्या अगर मच्छरों को रोकने की तैयारी पहले से की जाती तो इतनी भयावह स्थिति या इतनी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता था सर? सर ये तो कॉमन नॉलेज है कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं मलेरिया की भी, जितनी भी मलेरिया है या चिकनगुनिया है या डेंगू है, तो वो तो सबको पता ही है, इसमें मैंने क्या बताना है। ठीक है, तो सर आपको लगता है कि अभी भी हालात अभी भी क्योंकि कब तक चिकनगुनिया का असर, डेंगू का असर रहता है, और अभी अभी अगर नहीं हो पाया तो अभी क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए सर? आई थिंक सभी लोगों को, सरकार को भी और लोगों को भी, सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि मच्छरों से उनकी उत्पत्ति नहीं हो, मच्छरों की संख्या कम हो। उसके तो एक वेल डिफाइंड प्रिवेंटिव मेजर हैं, उस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है वो तो। ठीक है सर, मैं तो चाहूंगा आप मेरे साथ रहे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे साथ इस पूरे शो में घंटा भर रहें, और मैं अभी लगभग हाफ एन आवर का वक्त बचा और आप अपने एक्सपर्ट व्यू इस तरह देते रहिए, क्योंकि आपके एक्सपर्ट व्यू को बहुत जरूरत है दिल्ली के लोगों की, और वो बहुत चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट व्यू इतने रेपुटेड हॉस्पिटल के चेयरमैन से मिल रहा है। लेकिन रविंदर गुप्ता आप कह रहे हैं कि एमसीडी अपना काम कर रही है, आपने सुना डॉक्टर राणा कह रहे हैं कि हर साल से ज्यादा केस इस बार आए हैं दिल्ली में चिकनगुनिया के, और एक कॉमन नॉलेज है कि मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, तो एमसीडी अगर अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है तो कैसे ये केसेस बढ़ गए रविंदर गुप्ता? एमसीडी पर आपने थपथपा दिया, आप दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एमसीडी अपने काम सही तरीके से कर रही है रविंदर गुप्ता? मैं आपको बता देता हूं, जितना भी काम हो रहा है इसके ऊपर, चाहे वो चिकनगुनिया पे हो रहा है, चाहे वो डेंगू पे हो रहा है, वो दिल्ली नगर निगम ही कर रही है काम, दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही, केवल राजनीतिक भाषण देने के अलावा। आप देखिए दिल्ली में जितनी भी फॉगिंग हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, वो केवल नगर निगम कर रही है। उसके अलावा घरों में जो डीबीसी जाते हैं, डोमेस्टिक होम चेकर जो जाते हैं, वो भी केवल एमसीडी के जा रहे हैं, वो दिल्ली सरकार के। कांग्रेस होता, कांग्रेस का राज होता है एमसीडी पर, तो अभी आप कांग्रेस के एमसीडी पर खड़ा कर देते कौन सी घरों में हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, आलोक शर्मा आ रहे हैं, ये देखिए मैं आ रहा हूं सर, वो दिल्ली नगर सर बहुत एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल्ली सरकार जैसे जैसे के अलावा कुछ नहीं दे रही। जैसे दूसरी बात, अभी सत्येंद्र जैन ने कहा कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हो सकती, तो ये दिल्ली में जो जैसे जैसे चिकनगुनिया से मौतें नहीं हो रही हैं, वैसे एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। होल्ड ऑन, इस्तीफा देना चाहिए। ओके ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं मुदगिल साहब, बात तो है सर, आप एमसीडी पर आरोप लगा दीजिए, एमसीडी आप पे आरोप लगा दे, लेकिन इस बीच दिल्ली का जो आम आदमी है वो किसके पास जाएगा सर? कैसे आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि एमसीडी काम नहीं कर रही? दिल्ली सरकार के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है किस लिए, स्वास्थ्य मंत्री है किस लिए, केवल ये बताने के लिए कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारे पास एक पेन खरीदने की पावर तक नहीं है? गौरव जी, मैं जरा इस पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एक बात बोलना चाहूंगा, एमसीडी के अंदर और पेन खरीदने का पैसा नहीं है। अरे आप पेन को भाई सरकार पे आइए ना, हम यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हुआ, कितने डॉक्टर्स भर्ती किए हैं आपकी सरकार में, कितने डॉक्टर्स को परमानेंट किया जरा बताइए ना। देखिए देखिए अभी एक आरटीआई लगी थी 43 बेड पिछले साल से घट गए हैं। आलोक जी बात ये आकलन करिए, आप मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं, फुटबॉल बना रखा दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता की जनता से क्या, अरे भाई दिल्ली और नहीं तो और किसका लेना, दिल्ली की जनता का नहीं लेना, दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ विषय, कमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के रविंद्र गुप्ता साहब सुन लीजिए आपके बारे में डॉक्टर साहब ने बोला है, आप सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, आपको शर्म नहीं आती बोलते हैं यार, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, बदलाए हुए आम आदमी पार्टी सरकार, उनके जवाब उनको देने दीजिए, आप जवाब नहीं लेना चाहते क्या, आप जवाब नहीं लेना चाहते क्या? रविंद्र गुप्ता सुनिए, क्या होता है ना, खोखा चना बाजे गाना, आलोक शर्मा गुप्ता जी का तो यहाँ लोग है, अरे आलोक शर्मा रविंद्र गुप्ता सुनिए आप, एक मिनट मुदगिल साहब जवाब दीजिए, खोखा चना बाजे गाना काम कुछ करना है, ऑर्डर डाउन करनी पड़ जाएगी सर आपकी, आप सुन नहीं रहे, मुदगिल साहब जवाब दीजिए। गौरव जी सर मेरा सवाल जो नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, आप पार्टी लाइन पे बोलिए, आप पार्टी लाइन से आए, आप पार्टी लाइन बोलिए, आप बताइए मैंने सवाल पूछा आपसे, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है? आज का जो विषय है वो चिकनगुनिया का या मच्छरों का,
वो किससे रिलेट होता है? एमसीडी से होता है, सीधी सीधी बात। मतलब दिल्ली सरकार का कोई कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं आ रहा हूं, आ रहा है, आ रहा है, भैया एमसीडी एमसीडी का आने दीजिए। ठीक है, आप आइए, आप आइए, आइए एक मिनट। रविंद्र गुप्ता सुनिए ना, आप वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं, नरेंद्र राजा मैं आपके पास भी आ रहा हूं, एक मिनट। डॉक्टर राणा इस वक्त मेरे पास बात नहीं है, मैं आपके पास ही आऊंगा, एक मिनट। मुद्गिल बोलिए डॉक्टर। एमसीडी में जो लोग और जो लोग बैठे हैं जिनके जिनका ये काम था, अच्छा, बिरेफ्ट ऑफ एनी आइडिया। अब आप दिल्ली का हाल ये देखिए कि घरों से कूड़ा उठाया जाता है और सड़कों पर डाल दिया जाता है, ये दिल्ली का हाल है। आज कौन सा ऐसा देश है, और कौन उस देश की राजधानी, आप लाओस का वेंचाइन सिटी देख लीजिए, वहां भी कूड़ा जो है ब्लैक बड़े बैग्स के अंदर पैक होके तब डिपोर्ट होता है। आपने बैग बटवाए हैं कभी? एक मिनट सुनिए, सरकार ने बैग बटवा सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप अरे आप बैग, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं आप लाओस की, और आप लोग चुनाव से पहले भी यही बात करते हैं, दिल्ली को शिकागो बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे। पहले क्या नहीं नहीं आप बताइए ना, आपने कितने बार पहले दिल्ली में क्या कूड़ा सड़कों पर डाला जाता था? इससे पहले क्या कूड़ा सड़कों पर एमसीडी ऐसा नहीं उठाती थी? दिल्ली का भेड़ा गलत कर दिया। कई बार ये प्रपोजल बैग्स की एमसीडी को दी गई है, आप जरा पता कर लीजिए। छोड़िए कांग्रेस के हाल में क्या क्या हुआ, दिल्ली को ठीक करने की हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी। रविंद्र गुप्ता सुनिए, रविंद्र गुप्ता आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। सर आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र गुप्ता आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, वरना मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ जाएगी। रविंद्र गुप्ता सुनिए एक बार, सुनिए। अच्छा ठीक है, आप नहीं मान रहे तो आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ेगी। आप मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से मुद्गिल जी जवाब दीजिए। जी बोलो नरेंद्र राजा, मैं आ रहा हूं, बस एक मिनट में आ रहा हूं, बोलिए जल्दी से जवाब दीजिए। सर आप जवाब ये विषय प्राइमरीली, अगर हम नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास जाते हैं तो उनको एमसीडी के लेवल पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, उसकी सैनिटेशन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी। दिल्ली में पहले आज से 30-40 साल पहले तो मच्छर ही नहीं होता था। चलिए नरेंद्र राजा आप मानते हैं इस बात को जो बोल रहे हैं? रविंद्र मुद्गिल, नरेंद्र राजा आप इस बात को मानते हैं? गौरव आप और ये समय बाद एमसीडी दोनों पार्टियों के पास, ठीक है ठीक है, बोलिए आप बोलिए, समझिए कि आप बोलिए एमसीडी ए। अब ये पहले चुप हो जाएं, देखिए ये एमसीडी पहले भी बीजेपी के उसमें थी, कांग्रेस के शासन में कोऑर्डिनेशन होता था क्योंकि कांग्रेस को गवर्नेंस करना आता था, और एमसीडी गुड सर कोई अब देखिए सच्चाई आप ये मानिए। हाँ। इनको कहिए चुप होइए, ये आम आदमी पार्टी वालों को बोले जरा चुप। नहीं 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 वो नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। अच्छा दूसरी बात ये देखिए कि आप समस्या सब गौरव समस्या ये आ गई है कि आप चर्चा बार बार कर रहे हैं दिल्ली की सरकार, दिल्ली में सरकार नहीं है, भाग गई, 2.5 महीने हो चुके, आप जिसको सरकार समझ रहे हैं वो भूत है, नहीं है सरकार यहाँ पे। आपकी एमसीडी का मसला है, दिल्ली सरकार का नहीं है, पहले सीख लो। यहाँ पे खाली एमसीडी तो एमसीडी जो है आप सुनिए, अच्छा आप पहले इनको जब बोलिए सच्चाई को सुनिए, तो ये तो भाग चुके 2.5 महीना हो गए, आप टीके में क्या कर रहे हैं? समझे आप टीके में क्या कर रहे हैं? बात तो वो है आप, अरे आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं, बात को इधर उधर हिलाया जा रहा है, आपको बता रहे हैं, कभी किस पे आरोप लगाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, आप अपना काम तो बताइए। एमसीडी है वो अपना काम कर रही है, एमसीडी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना काम, लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जिस सरकार को सबकी जिम्मेदारी है। नहीं सर, एक नहीं सर, समोसे खा के एक्सक्यूज को कोई नहीं मानेगा, करोड़ एडवर्टाइजिंग का खा के। नरेंद्र तनेजा मैं आपको दिल्ली के पैसे से, नरेंद्र तनेजा मैं आपको बहुत ही ब्लंट, दिल्ली के पैसे से गोवा में चुनाव कर, नरेंद्र तनेजा सुनिए मेरी बात, नरेंद्र तनेजा मान कर दिया आपने सरकार, दिल्ली सरकार एक भाई दम दिल्ली देख लेंगे दिल्ली के उसमें वो हित में रहेगा। नरेंद्र तनेजा मैं आपको बहुत ही ब्लंट ऑनेस्ट और पार्टी लाइन से ऊपर जनहित के बातों को करने के लिए मानता हूं, लेकिन सर इस एक्सक्यूज को कोई नहीं मानेगा जो आपने कह दिया केवल दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। सर दिल्ली सरकार तो जिम्मेदार है ही, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती भी है क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे करके मोहल्ला क्लिनिक और तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा करके 67 सीटें हासिल की थी, और आज दिल्ली की जनता अगर चिकनगुनिया से बेड पर अस्पतालों के बेड पर पड़ी है तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि एमसीडी जिम्मेदार नहीं है? आप ये कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली की केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? आप ये कैसे कह रहे हैं कि केवल दिल्ली सरकार ने बेड़ा गर्क किया है? सर आप सर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबको लेनी पड़ेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा गौरव, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि प्रिवेंटिव मेजर जो होता है, देखिए प्रिवेंटिंग एंड क्योर दो अलग चीजें हैं,
प्रिवेंटिव में कोऑर्डिनेशन जितना दिल्ली सरकार एमसीडी कर रहा होता नहीं हुआ। अब प्रिवेंटिव में हम क्योर की बात करते हैं, अगर क्योर में आते हैं तो पूरी तरह जो है इसमें दिल्ली सरकार आ जाती है। तीसरी बात यह होती है कि कुल मिलाकर के देश की सरकार, तो ये तीन पड़ाव हैं। लेकिन अब ये राजनीतिक बहस से हमें जाना पड़ेगा ये कि अब जो दिल्ली की समस्या है इसका समाधान क्या है। हमको सबको समाधान पूछने, एक मिनट समाधान पूछने ही वो प्रपोजल बता दीजिए जो आप। नहीं नहीं, मैं रविंद्र मुदगिल आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, एक मिनट मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। उनका इलाज क्या है रविंद्र मुदगिल? एक मिनट, नरेंद्र तनेजा, आलोक शर्मा, मैं आपके पास ही आऊंगा। मैं आप सब लोगों को यही दिखाना चाहता हूं कि जब आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग पत्रकार बंधु उनसे पूछने गए कि भाई बताइए आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है, तो कैसे उन्होंने आपा खो दिया, कैसे मीडिया पर पूरा भांडा फोड़ दिया और क्या कहा उन्होंने, सुनिए और समझ में आपको आ जाएगा कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या कुछ इस वक्त मालूम है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। देखिए, सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है और मीडिया को कहते हैं छुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइएगा। पूरे हिंदुस्तान, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आप क्यों अटका रहे हैं बीच में, आपको सुपारी मिली है क्या? मैं, मेरे को क्या डर लगता है सर, मीडिया को कहा गया चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए चिकनगुनिया से। आपने बिल्कुल जवाब दिया, एल जी भरोसे और मोदी भरोसे, सर ऐसा है दिल्ली के टैक्स पेयर पे वो विदेश जाते हैं, मेरे पैसे बन जाता सर। मैं ठोस चीज बता देता हूँ ना आपको, जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी चुप करे जा रहे हैं, पढ़ते हैं आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए, आपको फेंकना आता, मुझे फेंकना नहीं आता, फेंक देता हूँ, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए मुझे, अरे मुझे फेंकना आता कैसे लगा रहे हैं आपको। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में की गई, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की, गोवा से लौट के आए हैं और कैसे उन्होंने मीडिया पर पैनिक फोड़ दिया। रविंद्र मुदगिल, मीडिया आपके बारे में अच्छा दिखाए तो मीडिया जनहित का काम करता है, मीडिया अगर आपकी कमियों को उजागर कर दे तो मीडिया सुपारी लेता है। नो, आई डोंट एग्री विद दिस कमेंट्स, बिल्कुल लगता है ना ये आपके मंत्री ने कहा पूरी तरह से गलत कहा है। जी बिजनेस के दर्शक समझे इस बात को। नहीं नहीं, ये इस तरह से एक दूसरे पे नहीं, गलत कहा इसका मतलब कहिए आप ओपनली। नहीं, इसके असेसमेंट आप खुद कीजिए, लेकिन मेरे असेसमेंट का क्या बात है, आप या तो एग्री कहिए या डिसएग्री कीजिए, आप प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी हैं आप सिंपथाइजर हैं, आप कह रहे हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ, इसका मतलब दिल्ली के मंत्री बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लगता है सरकार ही बीमार हो गई है, लगता है जो हेल्थ मिनिस्टर है वो स्वयं ही बीमार है। दिल्ली के मंत्री नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। अब मैं देखिए बात और सर, अगर दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री चिकन गुनिया जैसी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सीरियस नहीं है तो दिल्ली होगा क्या? सुन लीजिए रविंद्र गुप्ता, रविंद्र गुप्ता सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, आपसे वादा है, आपसे मैं आऊंगा, आपसे बात, आपका पक्ष लूंगा, लेकिन रविंद्र मुदगिल, आलोक जी अच्छी तरह नहीं, उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया, आप एग्री नहीं करते तो मैं मानता हूं आप एग्री नहीं करते, तो आपने साथ कहिए कि उन्होंने देखिए जिस जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अपनी इनिशिएट करता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन वर्ड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हर एक का अपना रोल है, एमसीडी का अपना रोल है, दिल्ली सरकार का अपना है और केंद्र सरकार का अपना है। अब यहाँ ये बात हो रही है, देखिए यार दिल्ली के यहाँ ये बात हो रही है, जो समस्या दिल्ली की जनता का आप लोगों ने, नहीं नहीं वो मैं सिद्धांत आपके बाद में सुन लूंगा, सिद्धांत की बात नहीं है, हॉस्पिटल में हजारों लोग वहाँ पर आपको दवाइयाँ नहीं मिलती, उसके बावजूद अभी तो मिल रही है, आप देखिए ना किस तरह का मीडिया चैनल दिखा रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। आपके टाइम दिल्ली का हाल खराब हो गया, दिल्ली की भैंस और गाय तो कहीं नालों में चली गई, आप लोग कह रहे हैं खूंटा काट दिया, कांग्रेस को धक्के मार के दिल्ली से निकाला गया, तो इंडिया निकाला गया, कुछ काम नहीं जनता आलोक शर्मा एक बात बताइए, आलोक शर्मा आपकी चीफ जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं शीला दीक्षित, उन्होंने साफ कहा है कि ये गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है और ये गैर जिम्मेदारी दिख रही है, तो क्या ये माने कि अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं? देखिए पूरी तरह से पूरी सरकार जो है जिम्मेदारी छोड़ के भाग रही है, ऐसा लग रहा है कि 67 में से 20-30 विधायक तो 5 साल से पहले ही दूसरे राज्यों में जाके सेटल हो जाएंगे, जनता उनको गलियों में ढूंढ रही है कहां चले गए वो लोग, ना विधायक मिल रहे हैं, ना मंत्री मिल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, सरकार है कहां।
लगता है कि सरकार बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट है और जनता जो है वो पूरी तरह से करहा रही है। आज मैं किसी मीडिया चैनल में देख रहा था, उसमें दिखाया गया मायापुरी के अंदर क्या हालत है, एक एक घर में पांच पांच लोग बेड पे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद ही कह रहे हैं कि साहब चिकनगुनिया से डेथ नहीं हो सकती, मेडिकली प्रूव कर दीजिए। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंजाब के लोग भी आगाह नहीं भी होती तो क्या आप वहां जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे अपनी? अगर मौत का इंतजार कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से मौत हो जाए तभी आएंगे आप अपनी जिम्मेदारी निभाने, उससे पहले लोगों के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं गौरव जी, बार बार ये तो रायशुमारी की बात करते थे, रायशुमारी कराइए ना आप, 70 की 70 विधानसभाओं में अगर हिम्मत है तो रायशुमारी कराइए, दिल्ली की जनता के बीच में जाइए, दिल्ली की जनता आपको करारा जवाब देगी, आपकी रायशुमारी कराइए कि हमें यहां अब सरकार चलाने का कोई अधिकार बचा है कि नहीं। केजरीवाल साहब नरेंद्र ने जा 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गए थे, आज दिल्ली की आपने दुर्दशा कर दी केजरीवाल जी। नरेंद्र ने जा, मैं मुदगल साहब आ रहा हूं, मुदगल साहब आप बोलिएगा, नरेंद्र ने जा पहले बोल, नरेंद्र ने जा बोलिए। देखिए ना गौरव, मेरा छोटा सा ये, देखिए ये राजनीति से हटके बात करनी पड़ेगी। इस समय दिल्ली में हर घर के अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है, राजनीति से हटके बात, सच्चाई ये है कि दिल्ली में गवर्नमेंट जो अरविंद केजरीवाल की भाग चुकी है, 2.5 महीने हो गए सरकार कहीं है नहीं। अब ऐसे में संविधान की मर्यादा के अंतर्गत क्या समाधान ढूंढ, वो सरकार तो भाग गई। अब दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या है, केंद्र कुछ आगे बढ़ के करेगी तो ये आकर के शोर करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार है नहीं, एमसीडी भी भाग गई क्या? वो सबके और एमसीडी भी भाग गई, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा। राजनीति से हटके बात कर रहा हूं, राजनीति साहब हटे नहीं, एलजी साहब ने पिछले 2.5 महीने में कितने हॉस्पिटल्स का दौरा किया जरा बताएं क्या? क्या इसका समाधान? अरे भाई एलजी साहब ने कितने हॉस्पिटल्स का दौरा किया जरा बताएं क्या? गौरव एक आपसे प्रश्न है, गौरव नहीं नहीं, जब फंसने की बारी आए तो राजनीति से भाग जाओ। आपसे एक प्रश्न, आरोप लगाना बहुत आसान है गौरव, एक मिनट बोलिए बोलिए, नरेंद्र तनेजा बोलिए गौरव, एक नरेंद्र तनेजा बोलिए, रविंद्र गुप्ता आ रहा हूँ, रविंद्र गुप्ता आ रहा हूँ, नरेंद्र तनेजा बोलिए बोले तरह दिल्ली की जनता कैसे बचे? अरे रविंद्र जी आ रहा हूँ, आप ही के पार्टी के नरेंद्र तनेजा बोल रहे हैं, उनको तो बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मेरा गौरव से प्रश्न है, आप बोले तनेजा जी। गौरव गौरव मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, क्या आपने भी सुपारी ली है क्या? सर ये तो आप आरोप लगाने वाला कोई भी आरोप लगाएगा, लेकिन आप भी जानते हैं और हमें इसको साबित करने की जरूरत नहीं किसी को, मेरा व्यूअर जानता है कि मैंने सुपारी ली है या नहीं ली है और मैं अपना काम कैसे कर रहा हूं, और मेरा व्यूअर का फीडबैक मेरे लिए सर्वोपरि है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैंने सुपारी ली है कि नहीं ली है। सर आप बोलिए, हाँ जी बोलिए नरेंद्र जी बोलिए। हाँ मेरा सिर्फ ये कहना था, देखिए गंभीर विषय है, इतने लोगों पे परेशानी है, दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, अब हमको सब लोगों को बैठ के ये सोचना होगा इसका समाधान क्या है, तो डॉक्टर साहब से आप बात करिए इसका समाधान क्या है, सारी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार गई, अब उसको आपको समझ लेना चाहिए, वो सरकार नहीं है, गई तीनों, आगे क्या करा जाए इसके बारे में दिल्ली की सरकार तो अभी जेल में पड़ेगी, लेकिन कॉर्पोरेशन भी गई। अब रविंद्र गुप्ता बोलिए, कॉर्पोरेशन भी गई आपकी, कॉर्पोरेशन तो आपके साथ बहुत कोऑपरेट करती थी आलोक शर्मा, कॉपरेट करना एक अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया आप लोगों ने। क्यों समस्या? आप 3 साल हमारी सरकार को गए होंगे, पिछली बार डेंगू के मैक्सिमम पेशेंट आए पिछले 10 वर्षों में, और इस बार चिकनगुनिया के, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों लोगों ने मिलकर दिल्ली की जनता का फुटबॉल बना दिया, आप क्यों कर रहे हैं? आप लोग किसी की, आप लोगों को कोई चिंता ही नहीं, कर रहे हैं? अरे भाई वो तो मान लिया पार्टी केजरीवाल की सरकार नहीं है, भगोड़े चिंता है, लेकिन आप लोग कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? डेमोक्रेटिकली इसको देखना चाहिए। एलजी साहब कितने हॉस्पिटल्स में गए जरा बता दीजिए, एक बार भी किसी एक हॉस्पिटल में गए एलजी साहब दौरा करने के लिए? एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर होता है, जो मान लिया हमने बात, एलजी साहब ने कोई चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी पिछले 3 महीने में एक बार भी? समाधान ढूंढा जाए। तनेजा साहब एलजी साहब ने एक भी चिट्ठी लिखी केजरीवाल भगोड़े को? एलजी साहब ने कोई चिट्ठी लिखी उनको? अरे सवाल इस बात का होता है कि नहीं नहीं सवाल किस बात का होता है एलजी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मर्यादा में रहकर तमाम पावर्स हैं, तो क्या चीफ मिनिस्टर को टाइट नहीं करना चाहिए? आप एक चिट्ठी कांग्रेस को ये सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या? क्यों उठा रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं वो भगोड़े हो गए, वो बेकार हो गए, दिल्ली की जनता को उन्होंने ठग लिया, इससे ज्यादा क्या कहें? इस प्रदेश में सरकार नहीं है, भाग गई, आपने क्या किया? हमने सब कुछ मान लिया, वो भाग गए, सब कुछ कर रहे, लेकिन आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए गौरव जी, नहीं निभानी चाहिए
जवाब दे दे फिर आ, हम दोनों मिला करके आते हैं ना आगे इसमें दिल्ली में चर्चा करते हैं। क्या बात है सर, तांत्रिक तरीके से बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ चुका है इस में, जहां बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ आने के लिए कह रहे हैं। काश ये दिन आए, काश दिल्ली की जनता के लिए आप दोनों पार्टी लाइन से हटकर सामने आए, साथ आए और दिल्ली की सरकार को या जो भी जिम्मेदार है केंद्र सरकार को आईना दिखाएं। क्या आप सर अपनी सरकार से सवाल पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, ढूंढना पड़ेगा, नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन रविंद्र मुदगिल आपने ईमानदारी से बोला कि आप सत्येंद्र जैन की बात से अग्री नहीं करते, तो सर आप इस बात से भी अग्री नहीं करते कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है? ये नूरा कुश्ती बहुत, नहीं नूरा कुश्ती छोड़ दीजिए सर, आप लेकिन आप जवाब दीजिए, क्या इस बात से भी अग्री नहीं करते? जिम्मेदारी नहीं है तो दिल्ली सरकार में है क्यों है? नहीं सर आप हां ना में जवाब दीजिए, दिल्ली सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो ना जिम्मेदारी है ना पावर है, फिर किस लिए पोस्ट पर? मेरे कांग्रेस के मित्र की मजबूरी है कि वो बुरी खबरों में से कोई अच्छी खबर ढूंढते फिरते हैं कि कहीं से कोई नहीं, नहीं सर 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 कांग्रेस छोड़ दीजिए ना सर, एक मिनट आलोक रही है भैया भाजपा से सर ये बताइए ना, नहीं नहीं छोड़िए बीजेपी कांग्रेस सर, बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, मीटिंग करने आम आदमी को बीजेपी कांग्रेस ने इलाज चाहिए। सर ये बताइए, आपने बताया कि आप सत्येंद्र जैन की बयान से अग्री नहीं करते, तो क्या आप इससे अग्री करते हैं कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं इस मुश्किल वक्त में, या नहीं करते? देखिए हद मत तय कीजिए, आप जिम्मेदारी तय कीजिए, मैंने सर आप हद मत तय कीजिए, बताइए ना सिस्टम में हर एक का अलग अलग काम बटा हुआ है, एमसीडी का काम एमसीडी के पास है, दिल्ली सरकार का काम दिल्ली सरकार के पास है। चलिए सर, जो दिल्ली सरकार का काम है, सर जो दिल्ली सरकार का काम है क्या वो हो रहा है? आप यही बताइए ना, मैं बता दिल्ली सरकार का काम क्या ये भी बता दीजिए, मोबाइल क्लिनिक दिल्ली सरकार का काम क्या ये भी बता दीजिए, मोबाइल क्लिनिक नहीं दिल्ली सरकार का काम, नहीं चलेगा ना क्लिनिक बनाना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, सब और दिल्ली सरकार का क्या भ्रष्टाचार के अड्डे, दिल्ली सरकार का क्या काम है ये बता दीजिए, किसी रूप में भ्रष्टाचार अपने कार्यकर्ताओं के, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, ये कारण ही दिल्ली सरकार का क्या कारण है, मोहल्ला क्लिनिक का लोगों ने अपने वर्कर्स यहाँ पर खोल दिए जी, आलोक आज पार्टी के बात भी हमने दिखाई थी, वो भी हमने दिखाया था, लेकिन आलोक जी एक मिनट, मुदगिल साहब दिल्ली सरकार का क्या काम है आप ये बता दीजिए, आप काम कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या काम कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप और लाइन पर रहिएगा, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ रविंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार खाली हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के, गौरव जी मैं बताता हूँ दिल्ली सरकार का क्या काम है, वहाँ दवाइयाँ है या नहीं है, मोबाइल क्लिनिक 67 वेंस तो चली रही है ना, 10,000 बेड आपके अंडर में आते हैं, क्या आप सही से काम कर रहे हैं? कल आप किसी अपने पत्रकार को भेज के देखिए कि मोबाइल क्लिनिक मोबाइल क्लिनिक से क्या पूरी दिल्ली का इलाज कर लेंगे? नहीं नहीं, जब समस्या तो आप बताइए ना, दिल्ली के अस्पताल जो आपके अंडर आते हैं वो सही से काम कर रहे हैं, आप ये काम है आपका कि नहीं है, आप खुद जाके देखिए कि मैं तो देख रहा हूं, प्रेशर उनके पास दीनदयाल हॉस्पिटल में आप जाके देखिए क्या हाल है, कॉरिडोर में लोग लेटे हुए हैं, कॉरिडोर बेड एक साथ तो आपने बढ़ा दी, बताइए पिछले 3 साल में, अरे सर पिछले 3 साल में रविंद्र गुप्ता आप बोलिए, रविंद्र गुप्ता बता रहे हैं दिल्ली सरकार का क्या काम, एक मिनट रविंद्र गुप्ता बता रहे हैं दिल्ली सरकार का क्या काम है, मुदगिल साहब आपने जवाब नहीं दिया, रविंद्र गुप्ता आप बताइए, आप बोल रहे थे आपको पता है दिल्ली सरकार का क्या काम है? देखिए दिल्ली सरकार जो है वो एक ही काम कर रही है इस समय दिल्ली के अंदर, कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी को और दिल्ली नीचे नगर निगम को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रही, उसके अलावा पूरे देश में घूम घूम कर राजनीति कर रही है, कभी पंजाब जा रही है तो कभी गोवा जा रही है, इनके एक मंत्री डिप्टी सीएम फिनलैंड में बैठे हुए, एक बेंगलोर में बैठे हुए, सत्येंद्र जैन ने अभी आपने देख ही लिया पूरी मीडिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया है कि आप सब लोग जो है ये बिकाऊ है और आप लोग बिककर जबरदस्ती इसको पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हो सकती है, इस प्रकार की भ्रांतियां फैला फैलाकर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को, चलिए ठीक है अब एक मिनट, अब आपने आपने बता दिया, आपने बता दिया सर, आपने बता दिया, मैं इनको बता देता हूं, ठीक है आपने बता दिया, दिल्ली के स्टूडेंट आपने बता दिया, लेकिन एमसीडी के सवाल पर आप नहीं बता पाए, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ और दिल्ली की जनता ने सर जाइए, वो दूसरा इशू है सर, हम दिल्ली के जनता हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, एक मिनट रविंद्र गुप्ता ओके सर, कांग्रेस का भांडा सर एमसीडी पर नहीं बता पा रहे हैं आप, एमसीडी पर नहीं बता पा रहे, दिल्ली का बेड़ा गर्क, एक मिनट लेकिन एक मिनट रविंद्र गुप्ता कहने से कुछ नहीं होता, एक मिनट ना सर सुनिए ना, आप सुनते नहीं है रविंद्र गुप्ता, आप सुनते नहीं है, सुनिए जनता के सर, टीवी में सबकी सुननी पड़ती है, इनके ये आप पब्लिक रैली में भाषण नहीं दे रहे कि आप बोलते रहेंगे, सर सुनिए रविंद्र गुप्ता, सुनिए रविंद्र गुप्ता सुनिए, नहीं तो फिर ऑडिट डाउन करनी पड़ेगी, दिल्ली की जनता को जिसको चुनना है साहब के अनुयायी है केवल भाषण, एक मिनट रविंद्र गुप्ता सुनिए, करते रहेंगे ओके, यू मेड योर पॉइंट, अब मुझे आपकी ऑडिट डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज इनकी ऑडिट डाउन कीजिए, ये सुन नहीं रहे, भाग के जाएंगे प्लीज, इनकी ऑडिट डाउन कीजिए, ये सुन नहीं रहे, ठीक है सॉरी सर, मैं आपको सॉरी कह रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं रहे, इसलिए मैंने आपकी ऑर्डर डाउन की, मैं नरेंद्र जी आ रहा हूं, लेकिन रविंद्र मुदगिल उससे पहले कि मैं नरेंद्र जी के पास जाऊं, एक छोटा सा सवाल,
अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं पंजाब में खूंटा गाड़ के बैठूंगा आप चार दिन। क्यों? क्योंकि वहां पार्टी टूट रही है। क्यों? क्योंकि वहां जो सपने दिख रहे थे अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को कि सरकार बन जाएगी, वो सपने टूटते दिख रहे थे, तो आप वहां खूंटा गाड़ के बैठ गए। सर 67 सीटें हैं, यहां खूंटा नहीं, यहां आपको बिछ जाना चाहिए दिल्ली की जनता की सेवा के लिए। कहां है आप इस पर जवाब दीजिए। नहीं, मेरे को ये बताइए। नहीं नहीं सर, आप छोड़िए। हाँ, आप बताइए दिल्ली की सरकार का चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए इस कंडीशन में कि नहीं? जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसमें दिल्ली सरकार का क्या स्पेसिफिक रोल है? अच्छा, कोई रोल नहीं है? नहीं नहीं, बताइए। कोई रोल नहीं है, आप बताइए। देखिए, हमारा खाली हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली के देखिए दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है, तो छोड़ दीजिए फिर। मोबाइल दिल्ली सरकार में अगर रोल ही नहीं है तो क्यों इतना बड़ा चुनाव है आपने? अरे प्रिवेंशन भी आपके हाथ में, प्रिवेंशन भी आपके हाथ में। अगर आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वो बेसिकली एमसीडी का प्रॉब्लम है। और चलिए, आप एमसीडी को बोलते रहिए, एमसीडी आपको बोलता रहे, और दिल्ली का नरेंद्र तनेजा, समय कम है, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। ओके, नरेंद्र तनेजा, समय कम है, फाइनल कमेंट लूंगा। सर ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, आज 5 हुई हैं, कल हम फिर दिखाएंगे 10, हेडलाइन में 15 होंगे, फिर 20 होंगे, ऐसे ही दिल्ली के आदमी को झेलना पड़ेगा, या सर कुछ कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे आपकी तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से? अनफॉर्चुनेट सिटी के पास कोई इसके बारे में प्लानिंग नहीं थी और इसलिए क्राइसिस आया। गौरव जी मुदगल जी ने असहमति जाहिर की अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा इसके लिए। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य मंत्री गलत है, दिल्ली की सरकार को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, केंद्र सरकार, एमसीडी, प्राइवेट एनजीओ, दिल्ली की जनता, प्लीज सबके साथ कोऑर्डिनेट करिए और इसका इसको ना बढ़ने दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, मुदगिल साहब होगा ऐसा 10 सेकंड में, मुदगिल साहब ऐसा होगा 10 सेकंड में, मुदगिल साहब ऐसा होगा 10 सेकंड में। ओके सर, मुदगिल साहब ऐसा होगा 10 सेकंड में। देखिए जी, प्रपोजल्स तो वो एजेंसी सबमिट करती है ना, जो आगे जस्ट इंप्लीमेंट करना नहीं करेंगे। देखिए एमसीडी, आलोक शर्मा फाइनल कमेंट 10 सेकंड, आलोक शर्मा 10 सेकंड में फाइनल कमेंट, नरेंद्र राजा ओके ओके सर, टाइम खत्म हो गया, आलोक शर्मा 10 सेकंड। देखिए, मैं समझता हूं दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज ये राजनीति का विषय नहीं है, आप लोग दोनों बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और जितना जल्दी हो सके जो पेशेंट्स वहां पर कहा रहे हैं, भगवान भरोसे तो मत छोड़िए। 67 सीटें दी हैं आपको, तो अरविंद भरोसे आप भरोसे तो रखिए इस सरकार को, इस दिल्ली को, या नहीं कर पाएंगे तो छोड़िए, कोई और आएगा वो करेगा, लेकिन कम से कम भगवान भरोसे मत छोड़िए। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि आपने आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन आप अपना फीडबैक दे सकते हैं #BigStoryBigDebate पे। सवाल यह है कि दिल्ली किसके भरोसे रहे, जिसको 67 सीटें दे के सराखों पे बैठाया, या जिसकी केंद्र में जिम्मेदारी है, या वो एमसीडी जिसके ऊपर साफ सफाई की जिम्मेदारी है दिल्ली में, दिल्ली को इन मच्छरों से बचाने की जिम्मेदारी है? और क्या ये तीनों अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? आप अपना फीडबैक @ZBusiness और #BigStoryBigDebate पर दे सकते हैं। और अगली बार जब आपसे ये वोट मांगने आए, या कोई भी वोट मांगने आए, तो आप इनसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि जब हमें जरूरत होगी तो क्या आप हमारे लिए खड़े होंगे? शायद ये जवाब दे पाए और आप अपना चुनाव, अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाए। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए ZBusiness। नमस्कार।